ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, तोड़ेंगे दम मगर तेरा साथ न छोड़ेंगे। नमस्कार दोस्तों, कहते हैं भारत और रशिया का दोस्ती जो है वो बहुत पुराना है, और उस मित्रता का, उस घनिष्ठता का उदाहरण है मेरा अपना शहर बोकारो स्टील सिटी। जी हाँ, बोकारो स्टील सिटी, जो कि लगभग 1965 में इसको रशिया के द्वारा यानी सोवियत संघ के द्वारा, उसके मदद के द्वारा यहाँ पे स्टील प्लांट की स्थापना हुई। यहाँ पे जितने भी सेक्टर्स हैं वो कहीं ना कहीं रशियंस यानी सोवियत संघ का ही देन था। जी हाँ, कहा जाता है कि उस दौरान स्वदेशी मूवमेंट चल रहा था और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश ये की जा रही थी कि हमारे देश में स्वदेशी बने। जवाहरलाल नेहरू का सपना था कि कहीं ना कहीं हमारे देश में इंडस्ट्रीज़ की ज़रूरत है, स्टील प्लांट्स की ज़रूरत है, जो हमारे देश को उन्नति की ओर बढ़ाएगा। और उसी सपने को पूर्ण करने के लिए लगभग 1960 के दशक में रशियंस का मदद लेकर, सोवियत संघ का मदद लेकर मेरा शहर का निर्माण शुरू किया गया, यानी बोकारो स्टील सिटी, जो कि झारखंड का एक प्रचलित एशिया का सबसे बड़ा स्टील प्लांट है, तो वो हमारे शहर बोकारो में है, उसको तैयार किया गया। तो यहाँ पे रशियंस आए, इन्होंने अपने इसको स्वरूप दिया इस स्टील प्लांट को, और उसी का जीता जाता उदाहरण है ये कॉलोनी। 1965 में बोकारो स्टील प्लांट का स्वरूप देना शुरू किया गया रशियंस के द्वारा, सोवियत संघ के द्वारा, और 1970 आते आते सबसे पहले इस स्टील प्लांट को एक सब्सिडरी बनाया गया, सेल कैन स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, और बाद में उसी का एक यूनिट बन गया। और आज हम एक ऐसे जगह पर खड़े हैं बोकारो के, जो कि ये गलियां जो हैं बिल्कुल गुमनाम हो चुकी हैं। को कुछ समय था कि जब ये पूरे सेक्टर्स को रशियन ने यानी सोवियत संघ ने वेल्ड तरीके से प्लान किया था, और कहा जाता है जिस जगह पे हम खड़े हैं यहाँ पे रशियंस रहा करते थे। जी हाँ, ये सेक्टर 4 है, 4C है, यहाँ का बिल्कुल पॉश इलाका है बोकारो स्टील सिटी का, और बाकायदा रशियंस के रहने के लिए, क्योंकि इनको यहाँ पे बहुत तरीके के सब्सिडीज़ दिए जाते थे, क्योंकि ये बाहर से आए थे, रशिया से आए थे, तो इनके लिए बाकायदा एक प्लान किया गया सेक्टर। जी हाँ, चारों तरफ से ये सेक्टर जो एरिया इनके लिए बनाया गया वो घेरा हुआ था, स्ट्रिक्ट पहरेदारी थी, कोई बाहर से अंदर नहीं आ सकता और अंदर से बाहर कोई परमिशन के नहीं जा सकता। और उसी के लिए कि सारे रशियंस को जो यहाँ पर रह रहे हैं उनको हर तरीके के सुख सुविधाएँ मिले, यहाँ पर एक रशियन कॉलोनी बनाया गया। जी हाँ, और ये रशियन कॉलोनी में प्राइमरी स्कूल बनाए गए, इसमें कॉलोनी बनाया गया, एक क्लब बनाया गया, और यही क्लब जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं ये इसका उदाहरण है, जिससे कि यहाँ के लोगों को कहीं बाहर ना जाना पड़े, रशियंस को कोई असुविधा ना हो। लेकिन विडंबना देखिए, ये हालत क्या हो गया इस जगह का, ये खंडहर बन चुका है, यहाँ पे कीड़े मकोड़ों का वास है, लोगों की एंट्री बंद हो चुकी है, और आज कहा जाता है कि ये कई सालों से ये खाली हो चुका है ये घर, और इसमें अनेक प्रकार के कहानियाँ बताए जाते हैं भूत प्रेतों के बारे में, घोस्ट्स के बारे में। तो चलिए, अब उसकी क्या सच्चाई है उसको तो हम अंदर जाके पता करते हैं, तो चलिए हम आपको अंदर का भ्रमण कराते हैं, जो कि कई सालों से ये खाली हो चुका है एरिया, आप देख भी सकते हैं कितना ये बिहड़ हो चुका है, चलिए हम आपको दिखाते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम आपको अंदर का एरिया दिखाते हैं, बड़ा सुनसान एरिया है, और बड़ा, यकीन मानिए, बड़ा यहाँ पे अजीब सा फीलिंग हो रहा है। चलिए आ जाओ, देख सकते हैं ये जगह है एंट्री करने का, कुछ एरिया तो है नहीं इसमें। चलिए, देख सकते हैं आप कितना सुनसान ये जगह है, पिन ड्रॉप साइलेंस है, बिल्कुल लग रहा है ये कितने सदी से ये चीज़ खाली है। चलिए हम अंदर जाके इसका जायज़ा लेते हैं। ये आप देख सकते हैं, ये रशियंस के लिए क्लब बना था, ये थिएटर भी है, और ये आप पीछे देख सकते हैं, ये पूरा स्टेज था बकायदा, जो कि आप देख सकते हैं कि पूरा खंडहर हो चुका है, बिल्कुल बर्बाद हो चुका है। तो चलिए हम आपको कोशिश करते हैं अंदर का व्यू दिखाने का, आ जाओ। ये देखिए इसकी क्या हालत हो चुकी है, और आप पीछे भी देख सकते हैं, लिखा हुआ है
रशियन में लैंग्वेज में लिखा हुआ है रेवोल्यूशन, ये थिएटर हुआ करता था, जी हाँ, और इस थिएटर में अनेक प्रकार के डांस प्रोग्राम ये सब हुआ करते थे। पहले की इमेजेस आप देख सकते हैं कि ये स्टेज, ये हॉल कैसा था, और अब देखिए इसकी हालत क्या हो चुकी है। ऊपर भी थिएटर है और इसमें अनेक प्रकार की कहानियाँ बताए जाते हैं। आराम से आओ। ये आप देख सकते हैं रशियन लैंग्वेज में ऊपर लिखा हुआ है, और आप पीछे देख सकते हैं ये थिएटर है। पीछे का दिखाओ, ये स्टेज थी बैठने के लिए लोगों के लिए। देखिए इसकी क्या हालत हो चुकी है। और कहा जाता है कि ये जो स्ट्रेट वाला सामने, हाँ जी हाँ, इस पर कई लोग कहानी भी बताते हैं। अब कितनी सच्चाई है क्या फंसाना है ये तो मैं नहीं जानता। कहा यह जाता है कि यहाँ पर एक रशियन जो है वुमेन सफ़ेद कपड़ों में बैठकर उसकी कराहने की आवाज़ आती है, ये भी कहा जाता है यहाँ के लोगों के द्वारा, कुछ लोगों के द्वारा। हालांकि बहुत नेगेटिव फीलिंग यहाँ पे आ रहा है और हम यहाँ पे ज़्यादा देर रुकना नहीं चाहेंगे। बड़ा बीहड़ जैसा इलाका हो चुका है। अब यहाँ से हम निकलते हैं। ये देख सकते हैं ये पुराने ज़माने के रील्स हैं, और ना जाने इस रील्स में पुराने समय के कितने जो हैं यादें और कितने सारे राज जो हैं वो छुपे होंगे। जी हाँ, सोचिए इसकी क्या हालत हो चुकी है। इसी तरह ये फेंका हुआ, ये एक हिस्टोरिक चीज़ है जिसकी हालत ये हो गई है। कहानी अनेक प्रचलित हुए यहाँ पर, लेकिन इस कहानी के चलते इसका कोई मेंटेनेंस नहीं, इसका कोई रख रखाव नहीं है। और देखिए एक ऐतिहासिक चीज़ जो हमें रशियंस ने दी थी, उस ऐतिहासिक चीज़ का क्या हालत हो चुका है। ये खंडहर बन चुका है और यहाँ भूत प्रेतों की कहानी प्रचलित हो चुकी है, लेकिन यहाँ तरक्की कुछ नहीं हुई है। ये देख सकते हैं ये सब वॉशरूम है पीछे, ये सब रशियंस के टाइम के, रशियंस के डिज़ाइंस के वॉशरूम्स हैं, बाथरूम्स हैं, टॉयलेट्स हैं। देख सकते हैं आप, सिर्फ जंगल झाड़ यहाँ पे उग चुका है, सांपों का डेरा है। अंदर आ जाओ। हम आपको ऊपर हिम्मत करके ले चल रहे हैं दिखाने के लिए कि उस समय क्या माहौल हुआ होगा। सोचिए जब ये सोवियत संघ के यहाँ पे लोग होंगे, रशियंस होंगे, तो इसकी क्या फिजा हुई होगी इस जगह की। लेकिन अभी देखिए इसका क्या आलम हो गया है। ये देखिए यहाँ पे पूरा पानी जो है, मुझे लगता है कोई यहाँ पे दिक्कत है, और क्योंकि यहाँ पे कोई आता नहीं है, कोई मेंटेनेंस नहीं है, तो देखिए यहाँ पे क्या हालत हो गया है, बीहड़ हो चुका है। इस घोष्ट की स्टोरी की वजह से, भूतिया कहानी की वजह से यहाँ एकदम सुनसान हो चुका है और सब कुछ बेकार हो चुका है। यहाँ देखिए पानी भी लीक कर रहा है। ये एक ऐतिहासिक धरोहर का ये हालत हुआ है। सोचिए ये रशियंस के ही देन है कि हमारे यहाँ कम्युनिज्म की बात हुई, जिसमें कि ज़्यादातर जो सोर्स ऑफ प्रोडक्शंस हैं उसको सरकारी बनाने की बात की। आज हम बात कर रहे हैं प्राइवेटाइजेशन की, लेकिन एक समय था जब रशियन ये कोशिश करते थे कि ज़्यादा से ज़्यादा जो इंटिटीज़ हैं, जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है, उत्पादन के जो साधन हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा सरकार के हाथ में हो। क्योंकि अगर ये सरकार के हाथ में होगा तो इससे अमीर और गरीबी वर्ग के बीच जो अंतर है उसको कम किया जा सकता है। सरकार सब्सिडीज़ दे सकती है और अपने लोगों की मदद कर सकती है। ये सोच था सोवियत संघ का। इसी पे सोवियत संघ जो था वो खड़ा हुआ था, इस आइडियोलॉजी पे, इस विचारधारा पे खड़ा हुआ था। और आज देखिए समय भी बीत चुका, सोवियत संघ भी टूट चुका, और सोवियत संघ के धरोहर का भी यही हाल हो चुका है। ये इस चीज़ को देखकर एक चीज़ जो बोकारो में डेवलप किया जा सकता है, उसका आज ये नामो निशान हो गया, ये हश्न हो चुका है उस सोवियत संघ का। चलिए अब हम इस जगह से बाहर की ओर निकलते हैं, क्योंकि ज़्यादा समय यहाँ रुकना सही नहीं है, क्योंकि बहुत बीहड़ टाइप का ये इलाका हो चुका है। और अब हम आपको एक ख़ास जगह पे लेके जा रहे हैं इसी रशियन क्लब का, और वो है स्विमिंग पूल। जी हाँ, बोकारो में आप आमतौर पे देखें तो कहीं भी स्विमिंग पूल नहीं है, लेकिन विडंबना देखिए कि यहाँ पे रशियन के समय से, यानी सोवियत संघ के समय से यहाँ पे पूल का निर्माण हुआ है, लेकिन अब देखिए इसकी हालत क्या हो गई। चलिए हम आपको दिखाते हैं, आ जाओ।
आराम से आना। और यही वो स्विमिंग पूल है जिसकी मैं आपको बात बता रहा था। चलिए आपको दिखाते हैं। ये देखिए, ये जो है ये वॉशरूम भी एक तरीके का हुआ करता था। ये सोवियत संघ के ज़माने का देखिए इसका डिज़ाइन है, आप देख सकते हैं। ये वॉशरूम हुआ करते थे, चेंज रूम हुआ करते थे, ये सब जो आप देख सकते हैं। जो भी लोग स्विमिंग करने आए हैं यहाँ पे, रशियन जो महिलाएं थी उनके लिए अलग था और जो पुरुष थे उनके लिए ये वॉशरूम्स अलग थे। और यहाँ पे वो अपना चेंज करते थे कपड़ा, स्विम सूट में आते थे और फिर वो अंदर की ओर जाते थे स्विमिंग पूल में। आते जाइए, हम आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए, ये है वो स्विमिंग पूल। हालत तो अभी इसका देख सकते हैं, पुराने समय का आप देख सकते हैं। ये ऊपर जो है सीढ़ियां हैं जाने के लिए, जंप करने के लिए स्विमिंग पूल में। और ये आप देख सकते हैं बड़ा स्विमिंग पूल है। अब इसकी कहानी ये है स्विमिंग पूल की। कहा ये जाता है, देखने में बड़ा गहरा है ये जी, आप देख सकते हैं अभी भी इसमें अच्छी खासी डेप्थ है। अब यहाँ की कहानी जो है, जो सच घटना आपको मैं बता रहा हूँ, कहा जाता है कि यहाँ पे तीन दोस्त आए हुए थे। जी हाँ, वो MGM स्कूल के ही थे, क्लास 9th के वो स्टूडेंट्स थे। और 2018 की मैं आपको ये कहानी सुना रहा हूँ। तीनों दोस्त यहाँ पे आए थे और उस समय ये तरन ताल बंद हो चुका था। ये प्रोहिबिटेड एरिया है, रेस्ट्रिक्टेड एरिया है। वहाँ पे ये चोरी छुपाए बाउंड्री फान के, वो तीनों यहाँ पे दोस्त आए। और कहा जाता है कि तीनों दोस्त इसी तरन ताल में उन्होंने नहाना शुरू कर दिया। जी हाँ, बड़ा बीहड़ उस समय ये जगह था, लेकिन उन्होंने किसी तरह, उनको ये सूझी कि वो मस्ती करें और मस्ती का एक हद उन्होंने पार कर दिया। ये नहीं समझा कि ये इसकी कितनी गहराई हो सकती है। और उसमें से जब एक लड़का डूबने लगा उन तीनों दोस्तों में से, तो कहा जाता है कि उन दोनों दोस्तों ने उसको वहीं छोड़ के वो भाग गए और वो लड़के की इसी स्विमिंग पूल में डूबने से मौत हो गई। जी हाँ, जब पासर बाई जो था, जो कोई इंसान जो यहाँ से पास कर रहा था, उसने जब आवाज़ सुनी तो वो आया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। तो ये यहाँ की घटना है, बहुत दुखद घटना है कि एक जवान लड़के को अपने जान से हाथ धोना पड़ा एक छोटी सी लापरवाही के कारण। तो इसीलिए आप सजग रहें, जब तक आपको पानी में नहीं स्विमिंग आ रही है, कोशिश ना करें यहाँ पे कुछ चीज़ों को ट्राई करने का, या कुछ कोशिश ना करें कुछ चढ़ बढ़ के, बिना किसी सूझ समझ के, बिना किसी मदद के ये कार्य करने का, क्योंकि इससे जान भी आपकी जा सकती है। तो चलिए हम आपको ऊपर का नज़ारा दिखाते हैं। बहुत पुराना हो चुका है ये। देखिए नज़ारा कितना सुंदर है। एक समय था कि जब यहाँ पे जो रशियन महिलाएं थी, पुरुष थे, वो यहाँ पे दो स्विमिंग पूल है, ये एक स्विमिंग पूल और वो दूसरी वाली स्विमिंग पूल, वहाँ पे छोटे छोटे बच्चे नहाया करते थे। और ये जो आप स्विमिंग पूल देख रहे हैं, ये स्विमिंग पूल एडल्ट के लिए था, वयस्कों के लिए था। जी हाँ, वयस्क महिलाएं जो रशियंस थी, यहाँ से इस वुडन लॉक से जंप करते थे और इस स्विमिंग पूल का आनंद लेते थे। सोचिए वो क्या समय था लोगों के लिए, क्या जिंदा दिली होगी उस जगह पे। और आज देखिए ये जर्जर हो चुका है, ये वुडन लॉक पता नहीं किस ज़माने का है। और ये एक नीचे भी है हाइट पे, और एक आप ऊपर भी देख सकते हैं, वो और हाई जंप था कारों का, ये हायर हाइट्स पे है, यहाँ से भी लोग जंप करते थे। और बड़ा अच्छा माहौल हुआ करता था जब रशियन कॉलोनी यहाँ पर था, बहुत सुंदर। हमारा बोकारो जो था, बहुत अच्छे तरीके से सब कुछ प्लान्ड होके बना है, लेकिन उसका रखरखाव नहीं हो पाया है, सबसे बड़ी कमी ये है। जी हाँ, प्रबंधन का ध्यान इस तरफ नहीं गया है, इच्छा शक्ति नहीं है बोकारो को फिर से डेवलप करने की। जी हाँ,
जो मेंटेन्ड बोकारो था पहले, जो बना था बोकारो, जो निर्मित हुआ था, उसको मेंटेन करने तक भी, रखरखाव करने तक की भी इच्छा शक्ति ख़त्म हो चुकी है लगता है प्रबंधन में, बीएसएल के पास बना है ये जगह जो है, पूरा प्लानिंग करके बना है। और आपने सुना होगा कि चंडीगढ़ एक बहुत डेवलप सिटी हो चुका है, पूरे तरीके से प्लान्ड है, लेकिन बोकारो स्टील सिटी जब निर्मित हुआ था, जी हाँ, तो वो चंडीगढ़ से भी, अगर आज ये मेंटेन्ड होता तो चंडीगढ़ से भी आगे रहता, जी हाँ। लेकिन यहाँ की प्रबंधक की सुस्ती देखिए कि यहाँ जो चीज़ थे भी, नया डेवलप तो कुछ भी नहीं हुआ, नया निर्माण तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन जो चीज़ थे भी उस पर भी देखरेख नहीं किया गया। नहीं तो शायद आज बोकारो जो है वो पूरे देश का सबसे बड़ा स्मार्ट सिटी होता, सबसे आगे होता, सबसे वेल प्लान्ड सिटी होता, जो कि मेंटेन्ड रहता, जो कि बड़े बड़े शहरों को टक्कर देता। लेकिन दुख की बात यह है कि यह सच्चाई नहीं है, और बोकारो को बहुत ज़रूरत है सही प्रबंधन की, सही मैनेजमेंट की। और ये देखिए दोस्तों, ये वही रशियन कॉलोनी है जहाँ पर रशियंस एक समय पर रहा करते थे बोकारो में, और क्या माहौल हुआ करता होगा, कितना खुशनुमा ये जगह हुआ करता था। लेकिन देखिए अभी पूरे तरीके से ये वीरान हो चुका है सेक्टर, जी हाँ, पूरा खाली हो चुका है। और अब मैं आपको दिखाता हूँ एक अच्छी जगह को, ये देखिए, ये जो आप पीछे देख रहे हैं, ये जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये एक समय पे कैफेटेरिया हुआ करता था, जी हाँ, अभी भी आप देख सकते हैं वो लगा हुआ है, पेप्सी का आप देख रहे हैं होलोग्राम लगा हुआ है। और एक समय पे ये बहुत सुंदर कैफेटेरिया था, पार्क था, जहाँ पे रशियंस के जो बच्चे थे जो यहाँ पे रहते थे वो यहाँ पे झूला करते थे और एक क्वालिटी टाइम स्पेंड करते थे। और देखिए अभी कितना खाली हो चुका है, बिल्कुल वीरान, कोई मेंटेनेंस, कोई रखरखाव नहीं है। तो आप अंत में खुद ही निष्कर्ष निकाल सकते हैं इस पूरे वीडियो को देखने के बाद कि क्या हालत हो गई है इस जगह की, इस ऐतिहासिक पुरातत्व की चीज़ जो बननी चाहिए थी उसकी क्या हालत हो चुकी है। आप फोटो में देख सकते हैं कि ये जगह कैसी थी पहले और अब इसकी स्थिति देखिए क्या हो चुकी है। यहाँ से कहा जाता है कि कुछ सालों के बाद, यानी 2005 के बाद, धीरे धीरे, क्योंकि रशियंस को जब यहाँ पे अलॉट किया गया जगह, तो धीरे धीरे वो तरीके को समझाते गए, यहाँ के जो इंडियन लोग थे, बोकारो के जो लोग थे, जब वो धीरे धीरे सीखते चले गए काम को, तो यहाँ से धीरे धीरे कर रशियंस का पलायन होना भी शुरू हो गया, जी हाँ, वो यहाँ से जाने लगे। और जब यहाँ से वो कम्प्लीटली चले गए तो देखिए ये किस तरीके से खंडहर बन गया, इसका कोई रखरखाव नहीं हुआ। अंत में मेरी गुजारिश यही है, जो भी प्रबंधक है, जो भी मैनेजमेंट है, कि बोकारो के इस हिस्टोरिक चीज़ को बचाया जाए, जी हाँ, इसको संरक्षित किया जाए, इसके मैनेजमेंट पे काम किया जाए, थोड़ी सी इच्छा शक्ति दिखाई जाए। मुझे मेरी बीएसएल से, सेल से यही प्रार्थना है। और अगर सेल ना भी कर पा रहा हो तो हम व्यक्तिगत तौर पे, जितने भी बोकारो वासी हैं, अपनी इच्छा शक्ति को जगाकर कुछ ऐसा फंड तैयार करें, छोटा छोटा दें, पैसा तैयार करें। अगर मुझे यकीन है कि अगर लोग थोड़ी सी भी मदद करें, पूरे बोकारो वासी मिलके, तो इतनी फंड इकट्ठा हो जाएगी जिससे कि इस तरन ताल को, यानी कि इस स्विमिंग पूल को फिर से रीस्टार्ट किया जा सकता है, इस पब्लिक प्लेस को, जी हाँ, एक पब्लिक प्लेस बनाया जा सकता है, घूमने की जगह बनाई जा सकती है, म्यूज़ियम में भी यहाँ तक कि इसको डेवलप किया जा सकता है, या फिर नहीं भी तो ये थिएटर बनाया जा सकता है, जी हाँ, इसको डेवलप करके। तो थोड़ी सी इच्छा शक्ति अगर हम खुद सब मिलकर दिखाएं तो शायद इसका रंग रूप बदल सकता है। और रशियन के दिनों की यादें जो हैं वो हमारे आने वाले जनरेशन तक भी, हमारे आने वाले पीढ़ी तक भी शायद उसको याद रखें, जी हाँ, वो उनके दिल में बस जाए।